हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे हैं रिजूटेक। सो स्टार्टिंग में मैं एक वीडियो बताया था आपको। वो वीडियो आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है और जल्दी से वायरल हो रहा है। अगर आपको वैसा वीडियो बनाना है तो उसके लिए हमें दो ऐप इंस्टॉल करना है। वो ऐप क्या है और उसे कैसे बनाना है वीडियो, मैं सब चीज़ आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले जाकर प्रैक्टिकली बताता हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देखिए ताकि आपको ईजीली समझें। अगर आपको ऐसे वीडियोज़ बनाना है और ऐसे वीडियोज़ और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लो ताकि जब भी मैं नए वीडियो सपोर्ट करूँ तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते। चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। वीडियो बनाना शुरू करने से पहले हमें दो ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है VN। आपको यहाँ दिखा रहा है VN और 3D Lux। ये दो ऐप से हमें सारा वीडियो बना सकते हैं। ये दो ऐप आपको प्ले स्टोर पर इजी से मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हमें 3D Lux ऐप ओपन करना है। 3D Lux ऐप ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर ओपन गैलरी पर क्लिक करना है। ओपन गैलरी पर क्लिक करने के बाद हमें किसी भी एक क्लिप ले लेना है। मैं यहाँ ले लेता हूँ। लेने के बाद हमें जो मैं स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाया था वो वीडियो में बहुत सारे पूरे क्लिप्स में मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है। मैं आपको एक क्लिप का बैकग्राउंड कलर चेंज करके बताता हूँ। आप पूरे क्लिप्स का बैकग्राउंड कलर वैसे ही चेंज कर लो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ऊपर जो लट का ऑप्शन दिखा रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर साइड में जाना है। जो यहाँ पर टॉप 25 दिखा रहा है स्टार वाला नीचे, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड्स दिखते हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के बैकग्राउंड दिख रहे हैं, किसी भी एक ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ। उसके बाद में ऊपर जो राइट का ऑप्शन दिखा रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव टू गैलरी का ऑप्शन दिखा रहा है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ देर में ये सेव हो जाए। देखें यहाँ पर वीडियो सेव हो गया है। ऐसे कर आप सारे क्लिप्स शूट कर लीजिए। पहले शूट करने के बाद ऐसे 3D Lux ऐप से सारे क्लिप्स का बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए पहले। उसके बाद में सेकेंड स्टेप जो है हमें दूसरा ऐप ओपन करना है जिसका नाम है VN। VN ऐप ओपन करना है। VN ऐप ओपन करने के बाद हमें उसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। नीचे जो होम बटन के पास प्लस का सिंबल दिखा रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट जो दिखा रहा है खेंची का बटन, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें क्लिप्स ऐड कर लेना है। मैं जो जो क्लिप शूट कर रहा हूँ और 3D Lux ऐप से बैकग्राउंड चेंज कर लिया है वो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर जो नीचे आरो बटन दिखा रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा प्रोसेसिंग होने के लिए। देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग हो चुका है। सारे क्लिप्स का हमें कुछ लेंथ कम कर देना है, कुछ लेंथ कम कर देना है। उसके बाद में जो सेकंड वाला भी है सेम वैसे कर देना है, सारे क्लिप्स का लेंथ कम कर देना है। ऐसे कहकर सारे क्लिप्स का लेंथ कर देना है। जो लास्ट का क्लिप दिखा रहा है उस पर क्लिक करना है, पर डिलीट का ऑप्शन दिखा रहा है उस पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। हमें फर्स्ट वाले ऊपर क्लिक करना है, फर्स्ट वाले क्लिप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर जो FX दिखा रहा है FX पर जाना है। FX पर जाने के बाद यहाँ पर शेक इफेक्ट लगाना है। देखिए शेक इफेक्ट लगा लिया हूँ मैं। फिर वैसे ही सेम सेकंड क्लिप पर जाना है, हमें यहाँ पर फिर से FX पर जाना है। FX पर जाने के बाद यहाँ पर शेक इफेक्ट लगाना है सेम। उसके बाद यहाँ पर नीचे राइट पर क्लिक करना है। फिर सेम थर्ड वाले क्लिप पर जाना है, फिर वहाँ पर FX पर क्लिक करना है, फिर वहाँ पर भी शेक इफेक्ट लगाना है। फिर शेक इफेक्ट हम पहले लगा लेते हैं, उसके बाद में राइट पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट वाले क्लिप पर क्लिक कर हमें या FX पर क्लिक करना है, फिर दूसरे लगा लेना है। मैं यहाँ ये लगा लेता हूँ। उसके बाद में राइट पर क्लिक करना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला क्लिप है उस पर क्लिक कर FX पर क्लिक करना है। उसके बाद में शेक इफेक्ट ला लेना है, मैं ये लगा लेता हूँ। उसके बाद में राइट पर क्लिक करना है। उसके बाद में ये वाले क्लिप पर क्लिक करना है, क्लिक करके शेक इफेक्ट लगाना है या FX पर क्लिक करके ये लगा लेना है। उसके बाद में राइट पर क्लिक करना है। फिर ये नेक्स्ट वाले क्लिप पर क्लिक कर FX पर क्लिक करना है, क्लिक कर शेक इफेक्ट लगा लेना है। उसके बाद में राइट पर क्लिक करना है। फिर जो लास्ट का दिख रहा है लास्ट का क्लिप उस पर क्लिक करना है, क्लिक कर FX पर क्लिक करना है, शेक इफेक्ट लगाना है यहाँ पर।
ये थोड़ा आगे लगेंगे, कुछ अट्रैक्टिव दिखता है। सो वीडियो पूरा बन चुका है, मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। सो देखिए वीडियो बहुत कमाल का लग रहा है। अब अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। हेलो गाइस, मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, क्योंकि ऐसे टाइप के वीडियोस इंस्टाग्राम पर और अदर प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है और बहुत जल्दी वायरल हो रहा है। सो मैं खुद ऐसे वीडियोस बनाता हूँ और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करता हूँ। सो आपको भी बता रहा हूँ कि ऐसे वीडियोस बनाइए और इंस्टाग्राम पर या अदर प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करिए और जल्दी से वायरल कीजिए। सो जो भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर जल्दी से मुझे फॉलो करिए और मेरे वीडियोस देखिए कि मैं किस टाइप के वीडियोस बनाता हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वाला वीडियो किस टॉपिक पर आना। अगर आपको ऐसे टाइप के वीडियोस और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लो, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए।